हेलो फ्रेंड्स, भारतीय क्विजन में आपका स्वागत है। मैं भारती पाटनी आज आपको बताऊंगी ब्रेड पिज्ज़ा कॉइन बनाना। बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। आइए देखते हैं इसे किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कॉइन इसके लिए मैं ले लेती हूँ 2 चम्मच ले लेती हूँ शिमला मिर्ची, बारीक काट लिए मैंने इसको। 2 चम्मच टमाटर ले लेंगे। 2 चम्मच पिज्जा सॉस, पिज्जा सॉस नहीं हो तो आप प्लेन सॉस भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब डालेंगे ऑरिगेनो, इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और डालेंगे नमक, ये आप अपने स्वाद अनुसार ज़्यादा कमती कर सकते हैं। और डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्ची भी इसमें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये टॉपिंग हमारी बनकर तैयार हो गई है, इसको साइड में रख देंगे और अब तैयारी कर लेते हैं ब्रेड से पिज्ज़ा कॉइन्स बनाने की। ये ले लेंगे एक चकला, इस पर मैं लेती हूँ एक ब्रेड। इसको मैं किसी भी ढक्कन या किसी की सहायता से आप काट सकते हैं गोल, मैं इस ढक्कन ले लेती हूँ, इससे गोल काट लेती हूँ। प्रेस करेंगे अच्छे से और ये निकल आएगा गोल। निकाल लेंगे अभी और इसी तरीके से दूसरा भी कर लेंगे, निकाल लेंगे इसको भी। ये दोनों को निकाल लेते हैं। ये देखिए, और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं इस ब्रेड को वेस्ट नहीं करनी है, किसी दूसरे यूज़ में कर लेंगे, ब्रेड क्रम्स या कुछ भी बना लेंगे इसका। इसी तरीके से मैं और भी बना लूँगी। ये सारे कॉइन्स ब्रेड से बनाकर तैयार कर लिए हैं मैंने, अब इस पर लगाऊंगी पिज्ज़ा सॉस। इन पे डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा ग्रेटेड चीज, अच्छे से फैला देंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ी थोड़ी सी टॉपिंग जो मैंने बनाई है, अभी सब में डाल लेंगे इसी तरीके से। बहुत थोड़ी थोड़ी सी डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। अब लगा देंगे इसमें ऑलिव्स, सबको टॉपिंग सेट कर लिया है मैंने। अब गैस पे मैं पैन गरम करूंगी, हम बनाएंगे मिनी उत्पम मेकर में। ये आज मैंने इसको प्रीहीट कर लिया है, अब इसमें रखूंगी एक एक करके ये कॉइन्स। पहले ग्रीस कर लेंगे, एक एक करके मैं इसमें रख रही हूँ ये ब्रेड पिज्ज़ा कॉइन्स। सारे रख देंगे इसी तरीके से और ढक देते हैं एक लीड से। सिम गैस पर इसको चीज़ मेल्ट होने तक पकाएंगे। चीज़ हमारी मेल्ट होती हुई दिख रही है, अब एक बार निकाल लेते हैं इनको। पिज़्ज़ा कॉइन्स सर्व करने के लिए तैयार है। इनको सजा देंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स से, थोड़ा सा डाल देंगे चिली फ्लेक्स और स्मॉल ब्रेड पिज्जा कॉइन्स तैयार है खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, बनाइए आप भी इस लॉकडाउन में अपने घर में पार्टी इस रेसिपी को बनाकर। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर ज़रूर से शेयर कीजिए और राइट साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी नई रेसिपी डालूं आपको उसका मैसेज ज़रूर मिल जाए और आप उसे देखना चाहें तो देखें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।